जय हो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे हुए और माँ गौरा उनके चरणों को दबा रही थी। चरणों को दबाते दबाते अचानक भगवान भोलेनाथ को याद आया कि हमारी भंग का समय हो चुका है, हमें भंग घोटनी है भाई। गौरा से कहने लगे भंग घोटो। वो कहने लगे कि हमसे रोज रोज घोटवाते हो, अपने आप घोट के नहीं पी सकते। भगवान भोलेनाथ ने एक ही बात कही, ये बताओ नारी का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है कि अपने पति की सेवा करे। जब सेवा करते करते कई दिन हो गए, अचानक कहने लगी ये बताओ सबके यहाँ महल बने हुए हैं और तुम भंग धतूरे की मस्ती में चूर होकर के न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते, तुम्हारा कुछ पता नहीं। कह दो हर हर, कह दो शंकर भगवान की। आइए, लेकिन जब भांग धतूरे की मस्ती में चूर होकर के भगवान भोलेनाथ गौरा मैया से नाराज होकर के चल देते हैं कैलाश पर्वत से और सामने मिल जाते हैं विष्णु जी। विष्णु भगवान सामने से नजर आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ भांग धतूरे की मस्ती में चूर होकर के चले जा रहे हैं। विष्णु भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि सुबह से शाम तक केवल पीना ही पीना है कि और कुछ भी काम है तुम्हारा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि पीता हूं तो मैं अपनी पीता हूं और जब से तुम मिले हो तुमने मुझे पीना सिखा दिया, लेकिन जो भी कारण है केवल अगर तुम नहीं होते तो मैं इस भांग को कभी हाथ नहीं लगाता। आइए वो कारण बता रहे हैं, कौन कौन से कारण थे भगवान भोलेनाथ ने जो भांग धतूरे की मस्ती में चूर हुआ करते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, लेकिन कौन कह रहे हैं? भोले बाबा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अरे जोर से बोलो, विष्णु भगवान से। मुझे पीने का शौक नहीं पर पीता हूं गम भुलाने को। पिछली यादें मिटाने को, पिछली यादें भुला सके तो दोनों हाथ अब उठाओ ऊंचे ऊंचे और ताली बजा करके। मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं कम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ कम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ कम भुलाने। अरे दोनों हाथ उठा लो, कह दो हर हर महादेव। जब निकले थे चौदह रतन, किसमें निकले चौदह रतन, क्या बात है। जब निकले थे चौदह रतन,
जब समुंदर का मंथन किया, जब गिले में घोड़ा निकला, काम भेदू गाय निकली और एक लक्ष्मी जी का अवतार हुआ। लेकिन सबसे पहले तुमने ही कहा था कि इस लक्ष्मी को तो मैं लूंगा, लेकिन जिस समय पिस निकला तो सबसे पहले तुम्हारे शब्द थे कि इसको कोई नहीं पी सकता। पी सकते हो तो कौन? भोलेनाथ पी सकते हैं। जब निकले थे चौदर्दन, जब समुद्र का मंथन किया, लक्ष्मी को तो तुम ले गए, ठीक मतलब की तुम ले गए, मुझे पिसका क्यों प्याला किया। लक्ष्मी को तो तुम ले गए, मुझे पिसका क्यों प्याला दिया। लेकिन फिर भी किसके लिए? मैंने हंस हंस के वो पी लिया, मैंने हंस हंस के वो पी लिया, मन सबका पढ़ाने को मुझे पीने का शौक नहीं, पीना होगा बुलाने को। यज्ञ मेरे ससुर ने किया। भगवान भोलेनाथ के ससुर जी कौन? राजा दक्ष। और उनकी बेटी कौन? सती। जय हो मेरे ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। यज्ञ मेरे ससुर ने किया, न्योता देने की ठानी नहीं, यज्ञ मेरे ससुर ने किया, न्योता देने की ठानी नहीं। अगर आपके परिवार में या आपके मोहल्ला पड़ोस में किसी से झगड़ा हो जाए और आपके जो जलने वाले हैं वो तुमसे प्यार मानने लगे, लेकिन दूर का और तुमसे ये कहे कि अरे तुम दावत में नहीं जा रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। उसी प्रकार आज सती मैया ने कहा, भगवान भोलेनाथ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के यहां चली जाऊं। लेकिन भोलेनाथ कहने लगे, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन हमारे लिए निमंत्रण तो आया नहीं है, और बिना बुलाए किसी के यहां, बिना बुलाए किसी के यहां नहीं जाना चाहिए, वहां केवल अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। लेकिन सती मैया नहीं मानी और चली गई। लेकिन जाते समय तुरंत भोलेनाथ कहने लगे, अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन अपने अपमान को सहन कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति का अपमान अगर हुआ तो आप उस अपमान को सहन नहीं कर पाओगे। वो तो हुआ क्या? सुनिएगा, यज्ञ मेरे ससुर ने किया, न्योता देने की ठानी नहीं, यज्ञ मेरे ससुर ने किया, न्योता देने की ठानी नहीं।
बिन बुलाए मेरी पत्नी गई और लाख समझाया पर मानी नहीं। लेकिन सती ने अपने आप को जब भस्म कर लिया तो हुआ क्या? आग खुद मेरे घर में लगी, आग खुद मेरे घर में लगी, कोई ना था बुझाने को। आग खुद मेरे घर में लगी, कोई ना था बुझाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, कहूं कम बुलाने को। आइए अंतर सुने। प्यार चेला से ज्यादा किया, कहते हैं कि गुरु और शिष्य का नाता बड़ा ही प्रबल होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आजकल के गुरु आपने देखा होंगे, आसाराम बाबू कितने अच्छे गुरु हैं, है कि नहीं? और बाबा ओहो बाबा संतराम, न जाने कितने कितने बाबा हुए हैं, वो भी गुरु हैं। लेकिन गुरु कहते हैं गुमाने अंधकार रूमाने प्रकाश, जो अपने शिष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे आ जाता है। लेकिन आजकल तो चौराहों पर भी भीड़ लगी होती है कि कोई हमें गुरु बनाओ। गुरु खड़े बाजार में कोई गुरु दीक्षा ले, गुरु खड़े बाजार में कोई गुरु दीक्षा ले, जाओ हमें धोती कुर्ता। गलत तो नहीं कह रहा मैं, गुरु खड़े बाजार में कोई गुरु दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमें धोती कुर्ता। अरे तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तेरा काम है, लेकिन हमें तो केवल धोती कुर्ता और मिठाई का डिब्बा डिब्बा गुरु बन गया। बेंत बोलो जय बाबा की। सुनिए मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दें, प्यार चेला से ज्यादा किया, चेला नजरों में मेरी चला, प्यार चेला से ज्यादा किया, चेला मेरी नजरों चला। भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्यारा चेला कौन? जय हो जय हो मेरे गुरुदेव, जय हो जय हो। अच्छा भगवान भोलेनाथ के सबसे प्यारे चेला का नाम क्या था? नादिया। कौन बताइए? भस्मासुर। भस्मासुर ने तपस्या कर करके भगवान भोलेनाथ को प्रकट कर लिया, और जब समय प्रकट हुए तो भोले बाबा कहने लगे बता बेटा तेरी क्या मर्जी है, क्या मांगना चाहता है? तो भस्मासुर कहने लगे महाराज अगर मुझे देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो, एक वरदान दे दो। वो कौन सा? कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले अवतारदानी है, कह दिया अगर मांगना चाहता तो जा तथास्तु ऐसा ही हो। भस्मासुर बड़ा चालाक और कहने लगा महाराज ये तो देख लूं ये जो वरदान तुमने दिया है ये असली है या नकली। भगवान भोलेनाथ के सर पर जैसे ही हाथ रखना चाहा तुरंत भगवान भस्मासुर आगे आगे, सती मैया आगे आगे और पीछे पीछे भस्मासुर, और चलते चले जा रहे हैं विष्णु भगवान फिर सामने से आ गए। और जिस समय सामने से आए तो भोलेनाथ कहने लगे क्यों भाग रहे हो? विष्णु भगवान कहने लगे क्यों भाग रहे हो? तो भोलेनाथ कहने लगे मैंने भस्मासुर को वरदान दे दिया। कैसा वरदान दे दिया? कि जिसके सर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। तुम ऐसा करो विष्णु मोहिनी का रूप बना लो और तादा भैया नृत्य करने लगो, जिससे कि मैं
जाऊं और मेरी जो सती है वो भी छूट जाए। विष्णुजी का रूप बना लिया, दादा भैया करने लगे, अब सती मैया को तो छोड़ दिया, लेकिन किसके पीछे पड़ गए? मोहिनी के। और इस समय दादा भैया नृत्य करने लगे तो कहने लगे कि हमें भी नृत्य सिखाओ। भस्मासुर कहने लगे हमें भी नृत्य सिखाओ। तो जिस समय नृत्य सिखाने की कोशिश करी विष्णु भगवान ने, तो तुरंत ही दादा भैया करने के बाद जैसे सर पर हाथ रखा तुरंत ही भस्मासुर भस्म हो गया। कह दो शंकर भगवान की। अब सुनिए, चेला नजरों में मेरी चढ़ा लेके बरदान मुझसे ही वो, लेके बरदान मुझसे ही वो, मेरी घरवाली के पीछे पड़ा। अब न संतोषी राघव मिले, अब न संतोषी राघव मिले, अपनी विनती सुनाने को। अब न संतोषी राघव मिले, अपनी विनती सुनाने को, पिछली यादें भुलाने को, पिछली यादें भुलाने को। पर भी ना होगा भुलाने